नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल टॉप टेक इन्फॉर्मेशन में। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसे कमाल के रोबोट के बारे में बताऊंगा जिसको दोस्तों अगर हम ह्यूमन बॉडी के अंदर इंसर्ट करते हैं तो ये दोस्तों कैंसर से फाइट करने में मदद कर सकता है फ्यूचर में। तो दोस्तों मेरे साथ आज आप इस वीडियो बने रहिए और मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, साइंटिस्टों ने एक ऐसा कमाल का टाइनी रिमोट कंट्रोल्ड रोबोट को डेवलप किया है। ये बेसिकली दोस्तों एक माइक्रो रोबोट है जो कि दोस्तों कैंसर टारगेटिंग ड्रग्स को रिलीज करने में कैपेबल है, जिससे दोस्तों हम ये होप कर सकते हैं एक दिन कि हम इन माइक्रो रोबोट्स की मदद से डिजीज को डायग्नोस कर पाएंगे और दोस्तों उन्हीं के हिसाब से ड्रग्स को एडमिनिस्टर कर पाएंगे ह्यूमन बॉडी के अंदर। अब दोस्तों ये जो माइक्रो रोबोट्स हैं इनको हम बायो हाइब्रिड्स के नाम से भी जान सकते हैं, जो कि दोस्तों बायोलॉजिकल सेल्स की तरह एक्ट करेगा और इसमें दोस्तों एडिशनल इंजीनियर्ड फीचर्स ऐड करने के बाद, जैसे कि दोस्तों मैग्नेटिक पार्टिकल्स, जो कि दोस्तों हमें मदद करेगा ह्यूमन बॉडी के अंदर इन माइक्रो रोबोट्स को कंट्रोल करने के लिए। और यहाँ पे दोस्तों सबसे स्पेशल बात यह है इन माइक्रो रोबोट्स की, इतनी टेक्निकल कैपेबिलिटीज होने के बावजूद भी दोस्तों इन माइक्रो रोबोट्स को स्पाइरुलिना एल्गी की मदद से बनाया गया है, जिसको दोस्तों हम एक हेल्दी फूड प्रोडक्ट के तौर पर जानते हैं, ना कि किसी कंस्ट्रक्शन मटेरियल के तौर पर। तो दोस्तों एक तरह से देखा जाए तो ये सेफ भी है, लेकिन फिर भी ये दोस्तों अभी भी टेस्टिंग स्टेज पर है, जहां पर हम इन माइक्रो रोबोट्स को रैट्स पर टेस्ट कर रहे हैं, जहां पर ये पॉजिटिव रिजल्ट्स भी शो कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों हम इसमें जल्दबाजी नहीं कर सकते, क्योंकि दोस्तों हमें इन माइक्रो रोबोट से काम लेने के बाद इनको हमारे बॉडी से बाहर भी तो लाना है, डिस्पोज ऑफ भी तो करना है। फिर यहाँ पे दोस्तों साइंटिस्टों ने दो तरीके बताए हैं। पहला तरीका तो दोस्तों ये है कि साइंटिस्ट कहते हैं इन माइक्रो रोबोट्स का काम होने के बाद ये अपने आप ही डिग्रेड हो जाए नेचुरली, बिना किसी हार्मफुल केमिकल सब्सटेंस को छोड़े। और या फिर दोस्तों दूसरा तरीका ये है कि ये हमारे बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाए बिना ह्यूमन बॉडी को नुकसान पहुंचाए। और यहाँ पे दोस्तों इन माइक्रो रोबोट्स को यूज़ करने का एक और सबसे बड़ा फायदा ये है कि अगर हम इस टेक्नोलॉजी में सक्सेसफुल हो जाते हैं और इसको हमारे बॉडी के अंदर कंट्रोल करने में सक्सेसफुल हो जाते हैं, तो दोस्तों हम ह्यूमन बॉडी की हार्ड टू रीच कैविटीज़ में बड़े ही आसानी से पहुंच सकते हैं, जहां पे दोस्तों हम डिजीजेस को बड़े ही आसानी से ठीक कर पाएंगे, वो भी बिना दोस्तों किसी इन्वेसिव मेथड्स के। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए और प्लीज़ इस इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन को सबके साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ये बिल्कुल फ्री है, क्योंकि मैं रोज़ ऐसे इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन देता रहता हूँ। थैंक यू।